हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, आज मैं इतने दिनों बाद अपनी पप्पो के घर जा रही हूँ। मुझे दिनू आ गई थी, मैं सो गई थी, मुझे मेरी आँख खुली तो पता लगा हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। और मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, सारे डुग्गे, लगता है पप्पो का घर आ गया है। और फिर मुझे मेरी पापी ने बताया कि नहीं, कार खराब हो गई, हम ठीक करने के लिए उतरे हैं। और मैं हैप्पी हो गई। और फिर हमें भूख लगी और हम सारे आ गए रेस्टोरेंट खाना खाने। मैंने तो कहा मैंने नहीं जाना, मैंने तो बस पप्पो के घर जाना है। लेकिन फिर गाइस, जब पिज्जा आया तो भी मुझे याद आया, तारिक बाबा आपने फ्राइज तो मंगवाए नहीं। फिर तारिक बाबा ने मेरे लिए फ्राइज मंगवाए। अभी मुझे भी भूख लगी, मैंने पिज्जा और फ्राइज दोनों खाए। और ये देखो मिलान भैया, उमर भैया, चाचू, बाबा सारे बैठे हैं। और मुझे की तबीयत सही नहीं लग रही थी मम्मा को। और ये देखो, ये मैं यहाँ पापा को परेशान कर रही हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, हर शरारती कर रही हूँ सारी जगह। मैं बहुत शरारती बच्चा बन गई हूँ, मम्मा कहती है। और ये देखो मैं हैप्पी हो गई हूँ, मिलान भैया मेरे साथ खेल रहे थे, मुझे इशारे कर रहे थे। और यहाँ मेरे गुन्नी भैया मेरी पिक्चर्स बना रहे हैं बाबा के साथ। और मेरी पापी मेरी वीडियो बना रही है। और ये देखो मैंने पिज्जा खाया, बोतल भी पी ली गाइस। और फिर ये मेरे फ्राइज बच गए, और फिर मैंने इन्हें पैक करवा दिया, तारिक बाबा ने पैक करवा दी, और मैंने रास्ते में खाए। और फिर हम आ गए काफी पप्पो के घर शादी में। और यहाँ क्योंकि मेहंदी थी, फिर मैंने लहंगा पहना, जल्दी जल्दी पारा पारा लहंगा पहना। और फिर हम खाना खाया, और यहाँ हम खाने का वेट कर रहे हैं, मैं और मेरे बाबा, उमर भैया, तारिक बाबा और बहुत सारे लोग थे गाइस। बहुत मजा कर रहे थे यहाँ पे हम। अभी तो मजा स्टार्ट होगा जब दुल्हन आएगी। और ये देखो उमर भैया, तारिक बाबा और मेरे पप्पा जी, सारे हम एक लाइन में बैठे हैं और हम देख रहे हैं। तो क्या हो रही थी वो गाइस, कितने सारे बच्चे हमारे साथ बैठे हैं खाना खाने, और अंकल भी है। और हम सब ने मिलके बहुत सारा खाना खाया था, सारा खाना खत्म कर दिया था। और ये देखो, वाओ, ब्यूटीफुल सी दुल्हन आ गई। और ये जो गाइस कैंडल पड़ी है, बार बार बहुत छेड़ा है ना। और इन्हें देखो कितनी प्यारी डेकोरेशन की हुई, मुझे बहुत पसंद आई थी। और लाइट्स भी इतनी प्यारी थी, मैं तो बाबा इनको टच कर रही थी, मैं मुझे मना कर रही थी। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा था गाइस, मैंने बहुत इंजॉय किया। और ये देखो, फिर मैंने लहंगा चहंगा उतार के थक हार के ओ डांस किया, पहले लहंगे में फिर ऐसे। ये देखो मैं यहाँ थाल बजा रही हूँ, टप्पे गा रही हूँ मैं बाती में। ये देखो मेरी सेटिंग ही नहीं हो रही, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो गाइस, फिर सब ने मिल के, सारी लेडीज ने मेरे साथ थाल बजाई और हमने गाने गाए, बहुत सारे गाने गाए गाइस, बहुत मजा आया। अभी चापी भी थी, काकी पप्पो भी थे, सारे क्लैपिंग कर रहे थे। और ये देखो अभी चापी मेरी वीडियो बना रही है। और ये देखो फिर मैं शरारते करने, मिलान भी मुझे वहां से पकड़ ली, वहां पे लाइट सी उनमें बना भी करते, करंट है वहां ना जाओ, लेकिन मैं बाबा वहीं जा रही थी। और ये देखो मेहंदी के फंक्शन अटेंड करने के बाद मैं थक गई थी और मैं रेस्ट करने लग गई। उसके बाद फिर मैं देखो उमर भैया चार्जर लगा रहे, सब अपना अपना मोबाइल चार्जर लगा रहे, सब ने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई थी, सब थक गए थे और सबका मोबाइल भी थक गया था। और ये देखो सुबह सुबह मैं उठ गई और मैंने काकी पप्पो के घर को चेक करने लगी। और तारिक बाबा भी यहाँ खड़े थे, मिलान भैया भी। और फिर मैंने कहा आओ, मैं अपने गाइस को मम्मा ये फ्लावर्स दिखाती हूँ, पौधे दिखाती हूँ सारे। और फिर मेरी खास हो गई, देखो गाइस ये नींबू का पौधा मेरे पप्पो ने लगाया हुआ है, और ये इसमें इतने सारे नींबू लगते हैं, पप्पो ने बताया था मुझे। उसके बाद ये पता नहीं कौन कौन से पौधे पप्पो ने लगाए हुए, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता है कौन से हैं। लेकिन है बहुत ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो मेरे पप्पो ने नलका भी लगाया हुआ, लेकिन इसका पानी नहीं चलता, मेरी मम्मा ने चलाया था, चला नहीं था। ये ना बाद में चलेगा, मम्मा कह रही थी पप्पा जी ठीक करेंगे ना, फिर चलेगा, अभी नहीं चलता, मैंने भी ट्राई किया था। और ये देखो ये वाला पौधा तो हमारे घर भी है गाइस, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में। और ये वाला भी है आई थिंक, और ये नीचे वाला भी है एलोवेरा का, और ये वाला भी है। ये तो हमारे घर से पप्पो लेकर गई थी, आमना पप्पो की बेला ये मैंने पहचान ली है, ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और ये देखो कितना लंबा, ये वाला नहीं है मेरे को, ये देखो मैं अंदर भाग रही हूँ। और ये देखो मेरे पप्पा जी यहाँ नाश्ता करने सुबह सुबह, और ये मुझे बातें करने लगे, और तारिक बाबा चाय पी रहे हैं और मेरी पप्पो बातें कर रही थी तारिक बाबा से। और ये देखो फिर ये मैं आगे जा रही हूँ, ये पप्पो का घर है। और फिर मैं सोचा चलो बाहर चलते हैं, और फिर मिलान भैया साइकिल लेकर बाहर चला गया, क्योंकि बाहर मैं और तारिक पापा खड़े थे, हम गाड़ी को देख रहे थे। और ये देखो तारिक पापा फोन पे बातें करने लगे, और मंगली में देख रही थी कौन कौन से बच्चे जो शोर मचा रहे हैं। और ये है मेरी पप्पो के बचपन के टॉयज, मेरे पप्पो ने अपने टॉयज सारे संभाल के रखे हुए हैं। इसमें एक स्लाइम मशीन भी है ऊपर पिंक कलर की गाइस, और वो कैमरे में से नजर नहीं आई है। और ये सब चीजें मेरे पप्पो की है। और ये देखो
मिलान, मुसीम भैया, कसीम भैया और शहम भैया ने खुद बनाए, अपने हाथ से पेंटिंग की है। और ये मेरी पप्पो का घर है। और ये देखो मैं बाहर जा रही हूँ तारी बाबा के साथ। देखना तारी बाबा कहाँ जा रहे हैं, जो भी कहीं बाहर जाता है ना चेक करने जाती हूँ वो जा कर है। और अगर करीब करीब जाए तो मैं उसके साथ चल जाती हूँ, दूर दूर जा रहा तो मैं उसकी गोदी पर चढ़ जाती हूँ। मैं किसी को अकेले जाने नहीं देती बाहर। और ये देखो यहाँ तारी बाबा ने कैसे गाड़ी को सामान रख रहे हैं, फिर हमने जाना है ना दूर दूर शादी में। अभी एक और शादी भी है गाइस। और ये देखो ये वाली शादी, यहाँ पे दूल्हा आएगा और दुल्हन को ले जाएगा। ये हम मेरी पप्पा ने बनाया है सारा, इतना प्यारा हाउस सा था, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा था। और ये देखो गाइस मैं यहाँ इतना एंजॉय किया, मैंने अपनी मम्मा से कहा मम्मा मेरे प्रिंसेस बना दो, प्रिंसेस। फिर मेरी मम्मा ने मुझे प्रिंसेस बना दिया, मैंने बहुत मजा किया यहाँ पे, मैं बहुत खेली भैया के साथ, मुजीम भैया, करीम भैया, शाम भैया, गुन्नी भैया, बिरवापी, मिर्हा भी आई हुई थी, मिर्हा के साथ भी मैंने बहुत खेला गाइस। अभी मैं आपको मिर्हा भी दिखाऊंगी। और ये देखो गाइस यहाँ मैंने बैठ के अपनी काफी सारी पिक्चर्स भी बनवाई थी सोफे पे, यहाँ पे आके दुल्हन बैठेंगी। और ये देखो यहाँ पे मैं जोर से जंप लगाऊंगी और मैं गिर जाऊंगी, शुक्र है मैं बच गई, सर पे नहीं लगी। और ये देखो मैं भाग भाग भाग, गुन्नी भैया मुझे पकड़ लेते हैं और मैं भागती हूँ, हमेशा गुन्नी भैया मुझे पकड़ लेते हैं। और फिर मैंने भाग के मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं बाबा की तरफ, वहाँ उस साइड पे गाइस सारे बॉयज थे तो फिर हम उस साइड पे जा रहे थे और यहाँ सारी लेडीज थी। ये देखो मिला गिर गई। और ये देखो मैं कसीम भाई के साथ इतनी सारी पिक्चर्स बनवाई मैंने यहाँ बैठ के। कसीम भाई कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, हम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, मम्मा कह रही थी। और ये देखो बहन भाई लग रहे हैं, प्यारे प्यारे बहन भाई। और देखो मेरी काकी पप्पू के पास दूल्हा लाया था, दुल्हन के लिए चीजें वो है। और काकी पप्पू सबको दिखा रही थी, मैंने भी देखा था, ये इतनी प्यारी प्यारी थी। और ये देखो ये आप ही कहती थी मेरी मम्मा से मैंने जिम्मेल के साथ पिक्चर बनानी है, फिर मैं फिर आप ही की गोदी में आ गई और आप ही ने मेरे साथ पिक्चर बनवाई। और ये पिक्चर मैं पिक्चर भी बनवा रही थी, ये बच्ची भी मेरे पास आके खड़ी हो गई थी, मेरी मम्मा कहती साथ साथ हो जाए, ये आ नहीं थी, मैं इसके पास चली गई। ये देखो मैं गिनने वाली थी उसकी गोद में और हम दोनों ने भी फिर पिक्चर बनाई है। ये सारी मेरी फ्रेंड्स बन गई थी, यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी, बहुत सारे बच्चे थे और सारे मेरे फ्रेंड्स बन गए थे। और ये देखो फिर एक आंटी ने हमें चीजी दी और फिर मैंने मम्मा से चीजी लेकर खा ली। और मैं थकी थी खेल खेल के, मुझे भूख लग रही थी, खाने में देर थी तो मैंने कहा चलो मैं खाना खा लेती हूँ। और ये मिर्हा भी मेरी तरह है, मिर्हा भी बिस्किट खा रही थी और ये देखो लेट लेट के बिस्किट खा रही है। और जिरवा भी चीजी खा रही थी और ये देखो जिरवा कैसे देख रही है मुझे, हुई कह रही मेरी चीजी ना खा ली, ये देखो सबके पास चीजी है। और ये देखो यहाँ मैं अपनी पिक्चर्स बनाने आई और ये मेरी मम्मा ने मुझे पकड़ लिया, ये बेंच बना। मम्मा बार बार, मम्मा की ड्यूटी थी मेरी मुझे बेंच बनाना और मेरी ड्यूटी थी ये बेंच उतारना। और ये देखो मैं पारी पारी घूम घूम के पिक्चर्स बनवा रही हूँ, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स बनवाई हैं गाइस, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखो दुल्हन के आने से पहले मैंने दुल्हन के सोफे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, मैं वहीं पर ही खड़ी थी, कसीम भैया मुझे बता रहे ऐसे बैठो ऐसे ना बैठो। और ये मिर्हा भी आ गई थी मेरे पास और मैं और मिर्हा यहाँ खेल रहे थे, मिर्हा नीचे बैठ गई थी, मम्मा से कहती ऊपर बैठो मिर्हा पिक्चर्स बनानी है ना। और फिर मिर्हा ऊपर आ गई थी, फिर हम दोनों ने सोफे पे बैठ के पिक्चर बनाई और मैं तो लेट ही गई थी और मिर्हा फिर चली गई थी। और ये देखो मैंने सोफा नहीं छोड़ा गाइस, जब तक दुल्हन नहीं आई ना मैंने सोफा नहीं छोड़ा, मैंने कहा ना भाई ना, दुल्हन जब तक नहीं आई मैं इस सोफे से नहीं उठने वाली। और सारे हंस रहे थे। और ये देखो मैं थक हार के वली मैं अटेंड की और थक गई और घर आ गई, चूंकि मैं सो गई थी मैंने कुछ नहीं खाया था, फिर घर आके मैंने पिज्जा खाया थोड़ा सा और फिर मैं सो गई। शादी बहुत एंजॉय की, थैंक यू काकी पप्पो, पप्पा जी, सारे भैया।